वही स्थान है जहाँ इस देश के कोने कोने से, खासकर यूपी और बिहार के कोने कोने से, हर एक मार्केट से, हर एक जिले से लोग आते हैं। सालों साल लोगों का आना जाना लगा रहता है। देखिए अभी गाड़ियाँ आ भी रही हैं। देखिए जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, सांप का काटे कोई मरीज आ सकता है या इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो मैं आपको पहले सबसे पहले वही चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ कोई एक तरीके का पेशेंट आया है जिनको कि सांप ने काटा और डस लिया है और इलाज के लिए लाए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तत्काल तुरंत लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाड़ी आई है तुरंत, देख रहे हैं, देखिए ये सांप काटा है, ये इनका भूत लगाया है। बोलिए सती मैया की जय, बोलिए सती मैया की जय। कहाँ से आलन भैया? कैसे क्या हुआ है सर इनको? कब काटा सर? रात में? अच्छा अच्छा, आज के दिन जो है सुबह में 11 बजे लगभग इनको काटी थी। कैसे कैसे घटना हुई है? तो मिला सांप ने दम मारा वो नहीं मिला। बोलिए सती माई की जय, सती मैया की जय, माई की जय, माई की जय, सती माई की जय, माई की जय, सती माई की जय, सती माई की जय, सती माई की जय। यहाँ पे जो की सती माई की भाई को काटा है, यहाँ माता जी के इस शक्ति से, अद्भुत लीला से यहाँ उन्हें जीवन दान मिलता है। मामा की सती माई की, सती माई की, बोलिए सती माई की। जैसा कि आप दर्शकों, आप लोग ये लाइव देख रहे हैं, ये सत्य घटना है कि एक महिला को सर्प ने काट लिया है आज सुबह 10 बजे के समय में, और उनको उनके घर वाले अपने गाड़ी की व्यवस्था से इस मंदिर के प्रांगण में, अमवा के सती माई के प्रांगण में उनको सही सलामत समय से लेकर चले आए हैं, और यहाँ पे माता जी के स्थान पे उनको भभूत, यहाँ के पुजारी जी अपना प्रसाद भभूत जो देते हैं वो उनको लगाए हैं, और यहाँ अब माता जी की जो करामात है, जो है कि उनका कोई जोड़ ही नहीं है। ये सत्य है कि माता जी के स्थान पे जो आता है, माता जी उनको जयकार बुलवा कर सही सलामत उनके घर पहुँचाती हैं। और ये देखिए आपके सामने जो है सर्प जिनको काटा है वो महिला इधर उधर लेट रही हैं, और माता जी के प्रसाद का उपयोग देखिए, बहुत ही परेशानी में वो अपने इस शरीर से कष्ट को झेलकर जो है यहाँ पे, और भक्तों का मेला लगा हुआ है, हाथ जोड़कर निहोरा सब कर रहे हैं कि माता जी उनके जीवन को खुशहाल कर दें और आयु उनकी सलामत रहे। सबका यही मानना है, और यहाँ माता बहन हमारे भक्तगण सभी उपस्थित होकर बस यही मना रहे हैं, यही देख रहे हैं कि वो सही सलामत अपने घर परिवार चौबेपुर से। अच्छा अच्छा, माता जी का दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप उनके सामने ला रहे हो माता जी का ऐसा सहयोग,
आप माता जी के बारे में कुछ जानती हैं तो हमें बताइए। ये जानती हैं कि किसी को बस सर काम होता है, साथ भार देता है, तो हमारी माता जी माँ सती माई तो यहाँ पे आके मरीज जो है सही हो जाता है। किसी से बोलिए एक बार, हम आपके सती माई की, सती माई की। हाँ भैया, देखिए दर्शक, आप लोग यहाँ माता जी के स्थान पे अभी अभी ये मरीज जो साल लपेटी हुई हैं अपने शरीर में, ये जो है इनको सर्प काट लिया था, और ये सती मैया के स्थान पे जो है अभी बिना होशो हवास में आई थी और गाड़ी के अंदर बैठ रही हैं, और अभी ये जो है सही सलामत माता के दरवाजे से सही सलामत होकर जयकार बोलकर और जा रही हैं। इसी के साथ यहाँ पे माता सती माता के स्थान पे जो भक्त आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, उनकी मनोकामना हमारी अमवा की सती माई पूरा करती हैं और करती रहेंगी। जैसा कि मैं इस यात्रा को प्रारंभ कर रहा था तो शुरू में मैंने एक बताया था कि सती माता जब अपने घर से दौड़ी थी तो एक पोखरे के ऊपर से, पानी के ऊपर से दौड़ के आई थी। अब मैं आपको उसी दिव्य स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जिस पोखरे के पानी के ऊपर से सती माँ दौड़ कर आई थी। उस पोखरे का भी आपको एक बार दर्शन में ज़रूर कराऊँगा ताकि आप देख सकें कि वो कौन सा पोखरा है और कैसा पोखरा है और उनका गाँव क्या है। आइए अब चलते हैं उस स्थान पर, उस पोखरे, उस जलाशय के पास जिसके ऊपर से अमवा की सती माता जिसके ऊपर से दौड़ करके आई थी। आइए हम आपको ले चलते हैं। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो पोखरा जिसके ऊपर सती माँ जिसके पानी के ऊपर से दौड़ती हुई आई थी, गई थी अपने पति परमल सिंह के पास। ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये वही पोखरा है, वही जलाशय है। समय बदला, हालात बदले, परिस्थितियाँ बदली तो इस पोखरी का स्वरूप भी बदल गया। आज ये जो स्वरूप दिख रहा है, समय की देन है, समय बदलता है, समय का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके हिसाब से इसमें भी तब्दीली आ गई है। लेकिन ये वही जलाशय है जहां आज 400 साल पहले वो घटना घटी थी जिस पोखरी के ऊपर से सती माता दौड़ती हुई आई थी और अपने पति के पास गई थी, और जहाँ पर उन्होंने लोगों के लिए नागवंश को श्राप दिया था, लोगों के लिए वरदान दिया था, और जहाँ पर उन्होंने सती हुई थी। ये वही पोखरा है, और इस पोखरे के पीछे आप जो ये गांव देख रहे हैं, ये वही गांव है, वो वही प्रसिद्ध गांव है, वही धन्य गांव है, वही पुण्य गांव है जहाँ से माता सती का विवाह हुआ था, जिस गांव की वो बहुत ही